गांव में कल्लू नाम का एक गुंडा रहता था। कल्लू एक बहुत बड़ा गुंडा था, सब उसके नाम से थर थर कांपते थे। कल्लू का एक प्रिय चेला था बिल्लू। दोनों गुरु चेला गुंडागर्दी करके पैसे कमाते थे, जिससे उनका गुजारा आराम से हो जाता था। लेकिन एक दिन उनके ठिकाने पर पुलिस आ जाती है और दोनों गुरु चेले को जेल में ले जाकर बंद कर देते हैं। उस्ताद, इन पुलिस वालों ने तो अब हमें जेल में बंद कर दिया, अब क्या करेंगे हम? अरे बिल्लू, टेंशन नहीं लेने का, अपुन अभी जिंदा है, तू रात होने तक का इंतजार कर, अपुन इंतजाम करता है। उस्ताद, आपके कॉन्फिडेंस को तो देख के लग रहा है कि आपके दिमाग में कोई फैंटास्टिक आइडिया चल रहा है। तू देखता जा बिल्लू, अब तेरा उस्ताद क्या करता है। सुन, मैं जैसे ही टॉयलेट के बाहर जाऊँ तू शोर मचा देगी। लेकिन उस्ताद, आप करना क्या चाहते हैं? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, जितना कहा उतना कर। कल्लू हवलदार को बुलाता है। हवलदार सर, हवलदार सर। हाँ बता, कौन सी आफत आ गई? सर, मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है। हवलदार जेल का ताला खोलता है और कल्लू के साथ जाने लगता है। और थोड़ी दूर पहुंचते ही बिल्लू शोर मचाने लगता है। बचाओ, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। आवाज सुनकर हवलदार कल्लू से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, यहाँ से हिलना मत। हवलदार जैसे ही आगे बढ़ता है और कल्लू भागते हुए जाता है और सारे खाने में नीम की गोलियां मिला देता है। इधर हवलदार बिल्लू से पूछता है, क्या हुआ, क्या हुआ? सर, वो चूहा था, अब चला गया। हवलदार भागा भागा कल्लू के पास जाता है। सर, अब मुझे नहीं जाना टॉयलेट। क्यों, क्यों नहीं जाना? अभी तो जाना था तुझे। सर, अब नहीं आ रही तो कैसे जाऊं? जैसे ही रात होती है, खाना खाकर सब लोग सोने लगते हैं और इसी का फायदा उठाकर कल्लू ताला तोड़ देता है और दोनों गुरु चेला जेल से फरार हो जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद, उस्ताद हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम किसी दूसरे गांव में जाएंगे और ये काम छोड़ देंगे। उस्ताद, हम करेंगे क्या? हमें तो मार पिटाई के अलावा कुछ भी नहीं आता। दोनों गुरु चेला सोचते रहते हैं, तभी बिल्लू बोलता है, उस्ताद क्यों ना हम लोगों को गुंडा बनने की ट्रेनिंग दे। लेकिन हमसे ट्रेनिंग लेगा कौन? चलते चलते कल्लू बिल्लू दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। और तभी उन्हें गांव से दूर एक खाली मकान दिखता है। वो दोनों उसी में रहने लगते हैं। एक दिन बिल्लू गांव में जाता है और चार लड़कों के साथ आता है। अरे ये लोग कौन है? उस्ताद, ये लोग आपके स्टूडेंट हैं। ये लोग आपसे गुंडा बनने की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है बिल्ला, ये कालिया, ये गोपी और ये जग्गू है। लेकिन तुम लोग गुंडा क्यों बनना चाहते हो? हम लोगों को पूरे अंडरवर्ल्ड में अपना नाम कमाना है। ठीक है, तुम सभी का इस गुंडों की ट्रेनिंग में स्वागत है। गुंडा बनना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन मैं सिखाऊंगा तो धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। अब मैं सबके काम डिसाइड कर देता हूँ, कौन कैसा गुंडा बनेगा। बिल्लू, तुझे मैं बच्चों की किडनैपिंग कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। और कालिया, तू लोगों से फिरौती मांगने की प्रैक्टिस करेगा। और गोपी, तू बाजार में जाके हफ्ता वसूली करेगा। और जग्गू, तू लोगों के घर लूटेगा। हफ्ता वसूली में मैं क्या करूं उस्ताद? ए गोपी, उस्ताद लोगों को उसका टैलेंट देख के काम देते हैं, बहुत तरक्की करेगा तू। चलो चलो, अब प्रैक्टिस करते हैं। बिल्ला देख, किडनैपिंग करने का फर्स्ट रूल है, गुंडे लोगों को अपनी आँख, कान, नाक,
सब खोल के रखना होता है, समझे? समझे के नहीं समझे? देख, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, उन्हें उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस चॉकलेट टॉफी लेकर जाओ और मौका देखते ही उठा लो। चल जग्गू, अब किडनैपिंग करके दिखा। बिल्लू जग्गू को उठा लेता है और तभी बिल्लू बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। अरे बुढ़वा, कैसे उठाएगा तू बच्चे, रुक मैं करके दिखाता हूँ। कल्लू जग्गू को उठाता है और अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर देता है। अरे वाह उस्ताद वाह, थाली बजाओ उस्ताद के लिए, देखो ऐसे उठाते हैं। बस बस, अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो बिल्ला, तू अपनी प्रैक्टिस कर, बाकी लोग मेरे साथ आ जाओ। कालिया, अब तेरी बारी, देख फिरौती मांगने के लिए सबसे पहले अपनी आवाज बुलंद करनी होती है, अगर आवाज बुलंद होगी तो लोग डरेंगे और फिरौती देंगे। चल तू मुझे फोन कर और फिरौती मांग। 10 लाख दे दो वरना तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगा। अरे अरे कालिया, तू फिरौती मांग रहा है या भीख मांग रहा है? रुक, अब मैं तुझे फोन करके फिरौती मांगता हूँ। हेलो, अपना कल्लू दादा बोल रहा हूँ, नाम तो सुना ही होगा, अपुन बहुत बड़ा गुंडा है, कल तक अपुन को 10 खोके चाहिए, समझा? नहीं मिला तो तेरे बेटे का होगा मर्डर, समझा? समझा कालिया, अब तू प्रैक्टिस कर। अब गोपी तू देख, तुम्हें सबसे पहले लोगों को डराना सिखाना होगा। देख ऐसे चाकू निकाल और सबके गले के पास लेके जा और बोल, सब अपना हफ्ता मेरे यहाँ जमा कराओ, वरना यहाँ खून की धाराएं बहेंगी। क्या बहेंगी? खून की धाराएं। ए गांव वालों, आज से इन सभी दुकानों की हफ्ता वसूली मैं करूंगा, इस इलाके का नया दादा, अगर किसी ने ना नुक्कड़ की ना तो होगा कत्ल। अरे वाह गोपी, तू करेगा अपने उस्ताद का नाम रोशन, और प्रैक्टिस कर और प्रैक्टिस कर। आजा जग्गू। देख जग्गू, घर को लूटना कोई भारी काम नहीं है, बस तुझे चुकन्ना होकर घर में घुसना है और किसी को पता न चले ऐसे सामान चुराना है, और सबसे जरूरी बात, घर के अंदर एंट्री करने का तरीका। घर में एंट्री करने के लिए अपने पाँव को दबा दबा कर चलाना होगा, अब तू प्रैक्टिस कर। कल्लू के सारे स्टूडेंट्स जी तोड़ मेहनत करते हैं। एक दिन तुम तीनों प्रोफेशनल गुंडे बन गए हो, तुम तीनों जरूर मेरा नाम रोशन करोगे, लेकिन ये जग्गू, ये तो अभी तक नहीं सीखा, इस जग्गू ने तो मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया रे, छोड़ो इसे। आगे सुनो, तुम लोगों का आज फाइनल टेस्ट है, अगर तुम लोग इसमें पास नहीं हुए तो सोच लेना, तुम लोग आज जाना और कुछ ना कुछ लेकर आना। चारों जाते हैं, कालिया, बिल्लू और गोपी तीनों अपने हुनर से पैसा लेकर आते हैं, लेकिन जग्गू जैसे ही एक घर में जाने की कोशिश करता है तभी उसके चलने की आहट से वो आदमी उठ जाता है और जग्गू की पिटाई कर देता है। चारों अपने उस्ताद के पास पहुंचते हैं। तुम तीनों ने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, बहुत अच्छे से काम किया तुम लोगों ने, तुम लोगों की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है रे, लेकिन इस जग्गू ने तो मेरी नाकी कटा दी, पूरे दिमाग का सिस्टम ही हिला डाला। चल जा वे, मैं नहीं सिखाता तेरे को। अरे उस्ताद, देखना आप मुझ पर एक दिन गर्व करोगे, अभी तो मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर जग्गू अपने घर चला जाता है और अपने घर पर ही प्रैक्टिस करता है। कल्लू के तीनों स्टूडेंट एकदम प्रोफेशनल गुंडों की तरह काम करने लगे और उन्हें जो पैसा मिलता वो लाके कल्लू के यहाँ रख देते थे। दोनों गुरु चेलों की जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन गांव में इतनी घटनाएं देखकर गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे और सब लोग मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों पर उंगली उठाते हैं, जिसको देखकर पुलिस अपनी कार्रवाई तेज कर देती है और गोपी को पकड़ने में कामयाब हो जाती है और गोपी की मदद से वो कालिया और बिल्लू को भी पकड़ लेती है। अगले दिन
पुलिस कल्लू के घर आती है। उस्ताद पुलिस, ये पुलिस क्यों आई है, हमारे घर ही क्यों आई है, अब तो हम गए उस्ताद। ये कल्लू और बिल्लू तुम दोनों ही हो ना, ये तीनों कह रहे हैं कि तुम लोगों को गुंडा बनने की ट्रेनिंग देते हो और सारा माल तुमने अपने घर में रखा है। नहीं सर नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, हमें तो पता भी नहीं ये कौन है। तुम दोनों साइड में हटो, हमें घर की तलाशी लेनी है। पुलिस कल्लू के घर के अंदर जाती है और तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। सर हम उस आदमी पर खामखा शक कर रहे थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब वो लड़के हमसे झूठ बोल रहे थे। सॉरी सर, हमने आप पे शक किया, आपके घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। कल्लू और बिल्लू दोनों सोच में पड़ जाते हैं और जैसे ही पुलिस आती है, उस्ताद आपने सारा माल अकेले ही हड़प लिया, ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, मैं तेरे साथ ही था पूरा दिन। तो उस्ताद सारा सामान गया कहाँ? तभी कल्लू को फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, उस्ताद मैं आपका जग्गू, मैंने आपके सामने ही आपके घर से सारा माल चुरा लिया और आपको पता भी नहीं चला। अब तो आपको मुझ पे गर्व है ना उस्ताद, आप सोच रहे हो ना मैंने ये सब कब किया। जब आप लोग पुलिस से बात कर रहे थे तभी मैंने आपका सारा माल लूट लिया। अरे उस्ताद इसने तो हमें ही चूना लगा दिया। कल्लू और बिल्लू दोनों अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे।